Hi friends, welcome to my channel, My Poems and Thoughts by Neha Sharma. कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज है सैटरडे, सैटरडे की रात है. टाइम 8 बज गए हैं और आरव के पापा कहीं गए हुए हैं काम से, इनको एकदम से जाना पड़ गया. तो मैं अभी देख रही थी इंडियन आइडल, इंडियन आइडल मैं देख रही थी और इंजॉय कर रही थी सॉन्ग्स को. आप सब भी देखते होंगे ना इंडियन आइडल, बहुत अच्छा लगता है. जो मैं एपिसोड देख रही हूँ उसमें अनिल कपूर आए हुए हैं और सॉन्ग सुनकर मज़ा आ गया. मैं भी मन में गुनगुना रही थी वो सॉन्ग्स, तो फिर मैंने सोचा चलो आपसे बात भी कर लेती हूँ, अच्छा लगता है आप सबसे बात करना. तो अभी डिनर मैंने नहीं कुछ बनाया आज, बिकॉज़ राइस अभी हैं तो इन्होंने बोला कि कुछ मत बनाओ, राइस ही खाऊंगा मैं. और आरव सो गया है, बहुत ज़्यादा टायर्ड था बिकॉज़ आज इसने इतना ज़्यादा उछल कूद की है ना, सारी कसर निकाल दी आज ही इसने. हालांकि मैं इसको बोल रही थी कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सो जाओ, पर तब इसको था कि नहीं पता नहीं मैं आज ही खेल लूँ सारा. देन इसके पापा बोल रहे थे कि खेलने दो, बच्चा है, उछलने कूदने दो. पहले अपार्टमेंट में तो नहीं कर पाता था ऐसा कुछ और हम भी रोकते थे, पर अब मत रोको नेहा इसको. मैंने कहा ठीक है, बट वो ना सिर में बजती है आवाज़ें जब बच्चा बहुत ज़्यादा शोर करता है. मैंने कहा शोर मत करो, खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर कहता ठीक है मम्मा, मैं नहीं जंप करता. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है संडे और टाइम हुआ है 12. सब काम डन है. सब्जी अभी मैंने बना के रखी है किचन में. आज मैंने बनाई है आलू और टमाटर की सब्ज़ी, बिकॉज़ कल थोड़ा हैवी हो गया था. साबुत महाराजमा थोड़ा हैवी होता है, राइस थे, मतलब कल था हैवी था. रात को भी फिर वही चावल खाए और तो सोचा आज थोड़ा हल्का बनाया जाए. और आलू और टमाटर की सब्ज़ी जो झटपट तैयार हो जाती है और टेस्टी भी लगती है, मैं आपको दिखा देती हूँ किचन में. और मैं अभी कुछ और करने जा रही थी, जैसे ना मेरे को किसी ने बोला था कि हींग डालना अच्छा होता है सब्जियों में, तो मैंने कभी नहीं खाई हींग. हाय. तो मैं हींग नहीं खाती थी, बट अभी सोच रही हूँ खाना शुरू करूँ. मैं लेके आई जब मार्केट से, तो वो पिसी, मुझे लगा था वो पिसी हुई मिलेगी, बट वो पिसी हुई नहीं है और वो सॉलिड वाली है. तो अभी मैं सोच रही हूँ उसको पीस लूँ. मैंने कुछ पीस ली है अभी और पीस रही हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं काम, छुट्टी है, फ़ायदा उठाया जाए. जो मैं मार्केट से लेकर आई थी, अभी कुंडी सोटा लेकर बैठी हूँ. थोड़ी सी मैंने पीस भी ली है, अभी और पीसती हूँ. आज संडे है, 12 बज गए हैं, हम घर पे हैं. कल मैंने आपको बोला था कि मे भी हम गुरुद्वारा जाएंगे, जाना भी था, बट इनकी अर्जेंट कॉल आ गई, इनको मीटिंग अटेंड करनी थी तो जाना पड़ा. हालांकि छुट्टी है, बट अगर काम पड़ जाए, मीटिंग अर्जेंट हो तो जाना भी पड़ता है ना. एंड तो मैं और आरव, मैंने सोचा चलो फिर, मैं पहले मूड था कि बाहर खाना ही खाएंगे, बट फिर मैंने सोचा नहीं, अभी ये आएंगे थक के खाना खाकर ही निकलेंगे. हल्का सा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ अभी. फिर सोचा कि जब हींग देखी, मैंने सोचा चलो हींग को भी पीस लेते हैं, ये काम भी हो जाएगा फिर हमारा. तो जब सब्जियां बनाऊंगी तो फटाफट डाल दिया करूंगी, नहीं तो मैं आलस कर जाती थी कि ओ कौन पीसेगा इसे. मैं लहसुन डाल देती थी, अदरक डाल देती थी, पर अभी इसको भी अपनी सब्जियों में डालना शुरू करूंगी ताकि उस फ्लेवर का भी मतलब आदत पड़ जाए मुझे, है ना. अभी थोड़ी सी और पड़ी है, थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा पड़ी है. अभी मैंने कुकर खोला नहीं है, चाय रखी है, चाय तो बहुत बन रही है, चाय उबल रही है. तो चाय पीने का मन था, मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, कुछ खा लूँगी. मैंने आरव के लिए पिज़्ज़ा पॉप बनाए थे, सोचा आप सबको दिखाऊंगी, पर उसने फिनिश भी कर दिए हैं.
उसको बहुत पसंद आए। स्नैक्स हैं तो मेरे को बोलता कि मम्मा आप मेरे लिए लाए हो, मैंने कहा हाँ। उसे ना बहुत स्पेशल फील होता है जब उसको लगता है कि स्पेशल मेरी चीज़ की कोई, वैसे किसी को भी स्पेशल लगता है हम जब किसी को बोल के भी नहीं तो किसी के लिए करते हैं, बट ये बच्चा है तो पूछेगा आपने स्पेशल मेरे लिए लाए, मैंने कहा हाँ बेटा। तो अभी बहुत खुश है कि मैंने पिज़्ज़ा पॉप खाए, और मैंने ना दो किए थे, थोड़ा हैवी हो जाते हैं, चीज़ वाला था, 3 लेयर्स चीज़। तो मेरे को बोल रहा था, मैंने इसको बोला कि एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, मैं चाय के साथ लूँगी। इसको इतने अच्छे लगे दोनों खा लिए, तो कहता मम्मा सॉरी मैंने ना आपका शेयर भी खा लिया। मैंने कहा इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं और बना लूँगी। इसको मतलब अच्छे लगे, मुझे खुशी है कि इसने कुछ तो खुश होकर खाया। पिज़्ज़ा पॉप मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा बना था, मैंने भी अपने लिए बनाना शुरू किया है अभी। मीन्स बने हुए हैं, बस माइक्रोवेव कर लीजिए या तल लीजिए, जैसे भी बना लीजिए। अभी 20 सेकेंड्स रह गए हैं, मेरा पिज़्ज़ा पॉप रेडी होने वाला है। उबल गई है, मैंने 2-4 बार उबाल लगाना होना, तो मैं इसको साइड में कर देती हूँ, जिससे निकलती नहीं है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा हीट होती है कि निकलने का डर लगा रहता है। तो चलिए गैस को करते हैं बंद, मैं आपको पिज़्ज़ा पॉप बन दिखाती हूँ। मेरा बन के रेडी हो गया, एक ही किया है मैंने बिकॉज बहुत ज़्यादा रहूँगी पिज़्ज़ा पॉप खाकर और चाय का मज़ा लेकर, बिकॉज एक किया है मैंने पिज़्ज़ा पॉप, चीज़ी है, 3 times चीज़ इसमें है, तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, मुझे नहीं खाना चाहिए। आई नो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर आज बच्चा बनने का मन कर रहा है तो हो जाए, खा लेते हैं थोड़ा सा, आप भी आ जाइए। हेलो एवरीवन, खाना बन गया, खाना खा लिया, अभी आरव के पापा का मैसेज आया कि घूमने चलते हैं, रेडी हो जाओ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ये रेड टॉप डाला है और ऐसे मैं तैयार हुई हूँ। ये नए इयररिंग्स लाई थी, बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि इनको पहनना है, हालांकि इसके साथ ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगते, पर मैंने कहा नहीं मुझे पहनना है, तो मैंने ये वाले पहन लिए, पर अच्छे लग रहे हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट भी कर लेना चाहिए। आरव को भी तैयार करके आई हूँ, उसको बोला कि रेडी हो जाओ, खुद ही तैयार हुआ है, बट अभी पैंट नहीं चेंज कर रहा, कहता मुझे जो मैंने घर पे पहनी हुई थी वही पहनी है, मुझे वही अच्छी लगती है, अब क्या करूँ बताओ, मैं उसका क्या करूँ। अभी एक बार और कन्विंस करके देखती हूँ कि चेंज कर लो आरव। शर्मा जी आ गए, चलिए चलते हैं आउटलेट मॉल। आरव लेट्स गो, इट्स ओके आउटलेट में चलो। आरव चल, आरव आर यू रेडी टू गो, लेट्स गो, क्लोज टर्न ऑफ द टीवी। अभी हम आ गए हैं आउटलेट मॉल, और आरव अपने पापा के साथ लेने गया है जूस, उसको ना जूस दिलाया था मैंने, डन कर दिया ये पाइनएप्पल वाला, तो पहले क्या था ऑरेंज वाला लेना है, मुझे पता उसको ऑरेंज वाला अच्छा नहीं लगता, पर जिद कर रहा था, तो मैंने इसके पापा को बोला कि आप पाइनएप्पल ले लीजिए, इसे नहीं पता चलेगा, वो भी ऑरेंज लगेगा, और इन्होंने शुगर केन जूस लिया था, तो उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें ना क्रम्स थे थोड़े थोड़े, तो कहता नहीं यू ट्रिक्ड मी मामा। आया है ये, और इसके पापा लेके आ रहे हैं, वेरी आरव Did you get your straw? I did. You did? Yeah. Enjoy your hot dog. I ordered for ketchup. I ordered ketchup too. I ordered ketchup. That's a ketchup. But how do you put it in? What is it? Rice. He likes rice. Mm-hmm. So he chews it. Okay. देखो कितना ज़्यादा रश है। बहुत नाइस है, बहुत ज़्यादा रश है।
ਸਰ ਐਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਏ ਆ ਰਹਾ ਹਾਏ ਵਿਚ ਜੂਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਗ ਬੋਸ ਦੇਖਣਾ ਬਿਗ ਬੋਸ ਬਿਗ ਬੋਸ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਿਗ ਬੋਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖੇ ਹੈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 50-70% ਆਫ ਹੈ ਹਰ ਆਰਵ ਕੇ ਪਾਪਾ ਖੜੇ ਹੈ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਕੈਪ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕੀ ਇਨਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪ ਫਿਰ ਲੂਨਰ ਨਿਊ ਈਅਰ 2020 ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਰੈਡ ਆਰਵ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਗਾਰਬੇਜ ਦਿਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕੁਛ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਂਗੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਲਾ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਕੈਟ ਸਿੰਗ ਹਾਈ ਚੀਜ਼ ਵੋ ਲੇਡੀ ਨਾ ਅਰਬ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਲੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਹਮ ਵੋ ਲੇਂਗੇ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸਿਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਲੇਂ ਔਰ ਕਿਆ ਛੋੜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਥਾ ਹਮਾਰਾ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੋਗ ਹਮ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੈ ਆਊਟਲੈਟ ਮਾਲ ਸੇ ਬਾਹਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਨੋਅ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਭੀ ਠੰਡ ਬਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ -6 ਥਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ ਪਰ ਬਰਫ਼ ਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਕੋ ਯਹੀਂ ਪੇ ਐਂਡ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਮਿਲਤੀ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਕੇ ਸਾਥ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ